नमस्ते फ्रेंड्स, पूरे फिटनेस में आपका स्वागत है। आज जो हम वर्कआउट करेंगे, हम बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज करेंगे, मीन्स हम रिस्ट एक्सरसाइज करेंगे। कि जब हम बहुत सारा वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो रिस्ट में जो है वो दर्द हो जाता है, जिससे कि हम कोई भी योगासन, जो हमारा जो हैंड के ऊपर जो एक्सरसाइज रहता है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपल और इजी एक्सरसाइज बताऊंगी कि जब भी आप कोई भी वर्कआउट शुरू करें तो आप ये वाला अगर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे काफ़ी आपको मीन्स आपको पेन वगैरह ना होने से काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। और प्लीज़ गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर जो है आपको रिजल्ट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आपने नॉर्मल पोजिशन में बैठना है। तो सबसे पहले जो हमारा हैंड का एक्सरसाइज रहेगा, आपने अपने दोनों हाथ जो है बिल्कुल सीधे रखने हैं और आप मुट्ठी बंद कर लें, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रखें और फिर दोनों अंगूठों को इंटरलॉक करें और फिर दोनों हाथों को ऐसे से करें। 1 2 काउंट करते हुए 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने इसको 3 सेट्स में आपने करना है। तो हमने पहले 1 टाइम किया, अभी हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इससे क्या होगा कि हमारा जो हमारा रिस्ट कर रहा है और हम आर्म का जो मीन्स जो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं उससे हमारा मन हो जाएगा और अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे मोड़ लें और फिर मुट्ठी बंद कर लें और फिर ऐसे से गोल गोल घूम लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम एंटी क्लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश करना है कि अपने बाजू के बिल्कुल सीधे रखने हैं, जिससे कि हमारा जो मुट्ठी हमने किया हुआ है उसका अच्छे से स्ट्रेचिंग हो सके। तो अभी हम एंटी क्लॉक करेंगे रिवर्स काउंटिंग में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इससे क्या होगा कि हमारा कोई भी जो नस चढ़ जाती है जैसे रिस्ट में, तो अगर हम बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे तो हमारा जो नस जो छड़ी होगी वो ठीक हो जाएगी। तो आज भी मुझे ये प्रॉब्लम आया था आज, तो इसलिए मैं ये वाला जो एक्सरसाइज है वो मैं करके दिखा रही हूँ, जिससे कि हमारे बहुत सारे जो योगीज होते हैं उनको जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जो प्रैक्टिशनर हैं तो क्या होता है कि हमारा रिस्ट में दर्द हो जाता है, जो भी हमारा हैंड का जो एक्सरसाइज रहेगा वो नहीं हो पाता है, तो इसमें दिक्कत आती है। तो अभी हम जो नेक्स्ट जो थर्ड एक्सरसाइज है, ऐसे ही रिस्ट में बैठना है और फिर जितना हो सके उतना बैलेंस आने का कोशिश करना है। अभी हम मैं उल्टा करके दिखा रही हूँ। तो हम जैसे अभी नॉर्मल पोजिशन में हूँ, तो काउंट करते हुए हमें आगे जाना है। कोशिश करना है कि हमारा जो वेट है वो हमारे रिस्ट में पड़े, तो थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ जाना है ऐसे करते हुए और 5 सेकेंड तक होल्ड रखना है। काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 वापस पोजिशन में आ जाए और फिर से आगे की तरफ वेट डालने की कोशिश करना है। 5 सेकेंड तक होल्ड रखें। 1 2 3 4 5। आपको फील हो रहा होगा कि जो हमारा रिस्ट है उसमें काफ़ी स्ट्रेचिंग फील हो रही होगी, जो कि एक्चुअली जितना पेन हो जाता है उससे काफ़ी रिलीफ देता है। फिर से आगे की तरफ आते हुए होल्ड रखें। 1 2 3 4 5 फिर से वापस आ जाए, फिर काउंट करना है। तो वैसे ये वाला जो एक्सरसाइज है मींस रिस्ट का, इसको आप 7 से 8 बार आपने इसको रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 फिर से आगे काउंट करते हुए 5 सेकेंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
1 2 3 4 5 तो वैसे ही आपने करना है। सॉरी, तो आप थोड़ा सा ऐसे से रोटेट कर ले अपने बाजू को दोनों साइड से, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो अगर दर्द हुआ होगा तो ठीक हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा आर्म का ऐसे रोटेट कर लेंगे। अभी दोनों हाथों को ऐसे आपने घुमाना है इस पोजीशन में। थोड़ा सा वेट डालने की कोशिश करें ऐसे से करते हुए। इससे क्या है कि हमारा अच्छे से उसमें बैलेंस बन पाएगा और जो दर्द हुआ होगा, ज़्यादातर जो दर्द है वो इसी के बीच में होता है, यहाँ पे जो हमारा रिस्ट है यहाँ पे बहुत दर्द हो जाता है, जिससे कि लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ा सा ऐसे ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथों की उंगलियां जो है मेरे को फैला लेनी है ऐसे करते हुए। अभी हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जब भी हम जैसे कोई भी आसन करेंगे, हैंड स्टैंड हो गया, आसन हो गया या बैकबेंडिंग एक्सरसाइज, तो हमारा हाथ का जो मीन्स सपोर्ट बहुत मैटर करता है। उससे क्या है कि जितना स्ट्रेंथ रहेगा उतना हमें पेन से रिलीफ मिलेगा, मीन्स पेन नहीं होगा, अगर हुआ भी है तो ठीक हो जाएगा। अभी जो हमारा फोर्थ एक्सरसाइज है, अपने दोनों हाथ जो अभी हमने पहले उल्टा करके दिखाया, अभी हम इसको रिवर्स में दिखाएंगे। अपने हाथों को अपनी साइड से करना है करते हुए और फिर उल्टा करना है ऐसे, थोड़ा सा रिस्ट के ऊपर बैलेंस डालने का कोशिश करनी है ऐसे ऐसे करते हुए। तो आपने ये 10-20 टाइम आपने करना है, जितना आप कर सकते हैं प्रेस करने का कोशिश करें। अगर दर्द हुआ होगा ये नस चढ़ी थोड़ी ठीक हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 थोड़ा सा अपने मुट्ठी बंद करते हुए थोड़ा सा रोटेट कर लें और फिर झटका से देते हुए ऐसे से करें। उंगलियों को बाहर की तरफ से खींचे ऐसे करते हुए फिर ऐसे यहाँ से भी आप आगे पकड़ते हुए इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे ये फेस हुआ था, मीन्स प्रॉब्लम फेस हुई है, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी अभी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं कि अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है तो औरों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो गर्म पट्टी मिलती है ब्राउन रंग के, तो आप उसको पहन सकते हैं। जब भी पेन हो जितना और बंदा रहेगा, मीन्स अगर दर्द है तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। थोड़ा सा मैं अभी कुछ वर्कआउट करके दिखाऊंगी। अगर अभी इसमें अगर पेन नहीं होता है तो समझे कि मीन्स मेरे को पेन से रिलीफ मिल गया है। थोड़ा सा बंद करके दिखाऊंगी। मेरा जो पेन है काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, तो वैसे ही आपने भी ये वाला जो वर्कआउट है करते रहना है। आई होप गाइस मेरा जो ये वीडियो था रिस्ट के ऊपर था, रिस्ट पेन को कैसे ठीक करें, तो अगर आपको काफ़ी इफेक्टिव लगा होगा और काफ़ी आपको हेल्प करे ये वाला जो है पेन को रिलीफ करने में। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी।